आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दबंगों की दबंगई से परेशान महिला संध्या चौधरी पत्नी सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उसने बताया कि मैं इंद्रपुरम गाजियाबाद में रहने वाली हूँ और एक जमीन के विवाद के चलते उस जमीन पर न्यायालय द्वारा नवनिर्माण क्रय विक्रय पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, जिसकी सूचना तहसीलदार मोदीनगर व थाना अध्यक्ष मोदीनगर गाजियाबाद को दी गई थी, परंतु भूमाफियों द्वारा पुलिस से मिली भगत कर उक्त आदेश को ताक पर रखते हुए दिन रात उस भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। चूंकि जब मैं उक्त भूमि पर हो रहे नवनिर्माण का विरोध करने गई तो विकास पुत्र सुंदरलाल और परवीन पुत्र गजेंद्र, कपिल पुत्र आशाराम, मनोज पुत्र साहब सिंह व तीन अज्ञात साथियों द्वारा मुझे गाली देते हुए धमकी दी गई और पुलिस से मिली भगत की बात भी कही और मुझे और पति सहित किसी झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी गई। इसलिए मुझे पूर्ण अंदेशा है कि पुलिस की मिली भगत से उक्त भूमि पर रोक लगाने के बावजूद नवनिर्माण कराया जा रहा है, जिसको रुकवाने व न्याय दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन दिया गया। हमारी समस्या ये है जी कि हम इतने परेशान हो चुके हैं यूपी से, एक इतने सिस्टम से परेशान हो चुके हैं कि हमें अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली में आए हैं। हमारी ये बात अगर ऊपर तक पहुंच जाए, योगी जी तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए तो हमारी जान बच जाए। ये है कि कुछ भूमाफिया हमें मिले, उन्होंने हमें झूठे वादे करे कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आपको 50% की पेमेंट देंगे, मतलब कमीशन देंगे। हमारी करोड़ों की संपत्ति हजम कर गए, झूठे मुकदमे में हमें जेल भिजवा दिया और हमारी और भी झूठे मुकदमे में लगाने के लिए हमें वो दरोगा हमारे पीछे मतलब रवानगी लेके गाजियाबाद ही आ गया मुजफ्फरनगर। दरोगा का नाम मैं इतना जानता हूँ कि अजय पंडित, अजय भारद्वाज बोलते हैं उसको, उसका भैया प्रॉपर्टी का काम करता है। उसके भैया ने मेरे खेत में प्लॉट लिया, मुझे पेमेंट कुल 4 लाख रुपये दी, 7,000 रुपये का गज वहाँ सर्किल रेट भी है और बाकी जो पैसे मांगता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी, झूठे केस में फंसा दिया, डील रोके उसमें, उसने पैसा लगा रखा अंदरूनी और बेमानी संपत्ति में पूरा वो अपना करता है, उसकी जांच हो और मेरी जान बचाई जाए। कितने भूमाफिया हैं लगभग? लगभग ये 8-10 हैं। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं सारे? कितना पर एक कस्बा है, वहाँ छोटा सा गांव है फपराना, वहाँ की ये घटना है। मैं इंद्रपुरम रहता हूँ अपने बच्चों को लेकर और मेरे को रात को भी मतलब गेट बंद करके कोई बैल बजाता तो ऐसे डर के बैठते हैं बच्चे भी, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी गंदी तरीके से पुलिस मुझे उठा के लेके झूठे मुकदमे में। कब से आप परेशान हो रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं जी कम से कम 6 महीने से। वैसे तो हम जब से परेशान है जब से हमें टकराए 3 साल से, क्योंकि रोज हमें इनकी धमकी देते हैं। नक्शे पे भी दरोगा जी का नाम लिख रखा है इन्होंने, जहाँ भी कहीं पेश होता है। आत्महत्या कर लेंगे परिवार के साथ, आज मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं मेरी वाइफ हम चारों मर जाएंगे। पति के साथ, जब मेरा पति किसान आदमी है, अनपढ़ आदमी है, ये कपिल देव जो आसाराम है मोदीनगर में रहने वाला है और ये बैनामा लेखक भी है, इसने पहले बड़े बड़े सपने दिखाए, हमारे घर में आया मिलने। मनोज कुमार है जो मुरादनगर का है, साहेब सिंह का पुत्र है, इन्होंने भी हमें घर में आके ही हमसे सारी बातें करी और इन्होंने हमें तब तो ये बोला कि यहाँ पे सोसाइटी बनाएंगे, GDA से पास कराएंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइल करवाया, झूठे डील करवाई कि कानून को हम करोड़ों की संपत्ति नहीं दिखाती, 10 लाख में इसमें बिजली पानी पास करवाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, सब दिखाया। उसके बाद अभी 1.5 साल बाद जब इन्होंने बोला, आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ पे कोई भी आपने GDA का नक्शा नहीं पास कराया, GDA का नोटिस आने लग रहे हैं, पुलिस आ रही है घर पर वहाँ पर पूछने की भाई GDA का नोटिस कच्ची कॉलोनी कैसे पास कराई। तब इसने हमसे 1 लाख रुपये रिश्वत भी ली, सब कैश लेके गया कि मैं सब कुछ करवाऊँगा। 3 साल बाद जब डील खत्म हो गई, हमने हाजिरी भरी, हम इसे फ़ोन करते हैं, भाई आ जा क्या करा है, प्लॉट वाले आज हम प्लॉट वालों को भड़का रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया, भाई के साथ इनके बेईमानी करवा के हम पे मुकदमे लगवा दिए। मेरे पास मेरे पीछे पीछे कोर्ट में 19 तारीख की थी, 15 को मैं अपने वकील से मिलने जा रही थी, ये SHO साहब के सामने मेरे पीछे पीछे घूम रहा था कपिल और मनोज, मेरे पास वीडियो भी है, मैं छुप गई, तब भी मैंने जाके कंप्लेंट करी इंद्रपुरम थाने में कंप्लेंट करी तो उन्होंने बोला मोदीनगर थाना जाओ, मुझे ही झूठा बकाया गया। मैडम आपकी जो हमने इनसे ही पूछा था, इन्होंने बोला हम ये पास कराएंगे, अनुमति सब हमारा है क्योंकि ये डीलरों का काम होता है, हमें तो पता नहीं है, हमने तो इस डीलर को सौंपी, हमारे पास डील है वो नहीं बोला था नक्शा पास करवाएंगे हम, सारा ये सारा काम हमारे सपूत करो क्योंकि वहाँ पे डील हो रही है। हम ये चाहते हैं हमारी जान बचाई जाए क्योंकि अब ये दोबारा से, पहले भी 9वें महीने में भी हम यही घूम रहे थे कि हमारे पे झूठे केस लगवाएगा मरवाएगा इन्होंने कपिल, अगर नहीं माने तो या तो झूठे मुकदमे में ऐसा अंदर करवाएंगे कभी निकाल नहीं पाओगे और आपकी एक बार लगवा चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम दो छोटे छोटे बच्चे सर, हम अभी तक नहीं पहुंचे मगर हाँ हमारे एक राज्य मंत्री के थ्रू हमारी कंप्लेंट पहुंची है, पोर्टल में भी चल रही है, SDM पे भी चल रही है, DM के पास भी चल रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। PCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।